तो दोस्तों सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, लिमिट है 0 to 1 -1 की पावर x dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को -1 पे फोकस कीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है e θ = cos θ + i sin θ, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा ये। अगर थीटा की जगह पाई रख दें तो ये जगह e²πi = cos π + i sin π। कॉस पाई कितना होता है -1, आई इंटू साइन पाई कितना होता है 0 -1। तो यही लूप होल था क्वेश्चन का, -1 की जगह e²πi लिख देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 to 1, -1 की जगह e²πi लिख देंगे, बाकी सब ऐसा ही रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 to 1 e²πi और x dx। अब e²πi, आई पाई तो दोनों कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो लिमिट 0 to 1 e²cx dx। अब लिमिट e²cx तो dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e²cx/c। जैसे e²x है तो इसका इंटीग्रेशन e²x होता है। अगर कोई कांस्टेंट लग जाए जैसे 2x लिखा है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e²2x/2x के साथ जो लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है, t मान के होता है ऐसा। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा e²cx/c और लिमिट कितनी है 0 to 1। अब c की रख देंगे वैल्यू, c को क्या माना था, यही तो माना था c, आई पाई, सी की जगह लिख देंगे आई पाई, इट बिकम सी की जगह रख देंगे आई पाई, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। लिमिट है 0 to 1, इट बिकम्स ये 1/i π, तो बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट कहाँ रखेंगे, एक्स के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा e²πi (1 - e²πi)/0, तो 1/i π। अब आई पाई को फिर वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, cos π + i sin π माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब cos π + i sin π इसकी जगह फिर लिख देंगे -1, क्योंकि इसकी वजह से तो पूरा खेल हुआ था। -1 का मतलब होता है cos π + i sin π, डायरेक्ट याद रखिएगा ये रिजल्ट। और इसी को लिखते हैं e²πi, तो 1/i π अंदर हो जाएगा -1, इसकी जगह -1, इसकी जगह तो एक ऑलरेडी -1 है, तो ये हो जाएगा -2/i π। और जब अपॉन में i दिखाई पड़े तो i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, क्योंकि i स्क्वायर बन जाएगा, नीचे i स्क्वायर होता -1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें यूज हुआ है, तो -2i/ नीचे हो जाएगा i² π, और i स्क्वायर के प्लेस पर रख देंगे -1, तो -2i/π और 1 -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, कितना आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया 2/π और आयोटा। कुल मिलाकर ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, और क्या करें। तो लिमिट 0 to 1 -1 की पावर x dx इक्वल्स टू होता है 2/π और आयोटा। क्वेश्चन मिलेगा कि प्रूव दैट, तो बस कर देंगे ऐसे ही। तो बेसिक्स थी, आइडेंटिटी लगी थी, e²θ = cos θ + i sin θ। वैसे भी -1 को लिख सकते हैं डायरेक्ट cos π + i sin π, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
और एक इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है एक्स के साथ में, जैसे मान लें कांस्टेंट है के एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर के एक्स अपॉन के। इन्हीं सब बेसिक्स का यूज हुआ है, क्वेश्चन कठिन नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।